अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगर दे टुट्टियो, की हाल चाल है तुहाडा? यार कुछ दिनों तो बिजी ही मैं, टाइम ही नहीं लगा मेरा वीडियो शीडियो बनाउण दा। अज मैं निकलिया बाहर, सुबह की नमाज पढ़ी है तो मैं चलो बाहर निकलने अज तुहानूं लोगों नूं। हाए पिंड दीआं कणकां पा गईआं उह विखा लईए, नाल स्कूल स्कूल ही इक मैं पैजे विच बणिआ तुहानूं उह विखा के लिआईए, बच्चिआं दे खेलण वास्ते पार्कां शार्कां बणी दिआं उह विखा के लिआईए, कणकां शणकां पा गईआं ना साडे पिंड दीआं ते हुण लोकां ने वढणीआं वुढणीआं ने। तो चलो मैं एक नवी कणक के नाल एक रोटी पका के भी खुआने अज तुहानू, अज पराठा बनाने घर जाके ना, वी आई पी किस्म का रख के पराठा बनाने देसी घ्यो नाल। होर भी पिंडा में स्कूल वेखे हो गए, पर जो तुम स्कूल है वाला दिखा लगा ना, सब तो अलग ही है, बहुत ही अलग स्कूल है। हर तरफ पैलियां ही पैलियां, कनक लगी दी, सब्जा ही सब्जा, हर तरफ किसी ने शटाला लाए दा, किसी ने कोई सिस्टम है लगता, इधर म्यान में करके ना उन्होंने स्कूल बनाता है गवर्नमेंट वाले ने, ना इतने आने की कोई चक्कर ना कोई जगह, स्कूल के बच्चे एवं दौड़ा लाई दी सवेरे सवेरे, इधर ना कोई गड्डी ना कोई मोटरसाइकिल ना कोई रक्षा, कच्चियां सड़कां बनाई दी, पानी आता इतने लत्त खुब जा, ट्रांसफार्म लो आड़े है भी भाई, मेहरबानी साढ़े मिंबर साहब की, ये भी थोड़े दिन ही होने लगे तेन, कोई दो तीन महीने होने, उस तो पहले इतने बत्ती की भी कोई सहूलत नहीं है, नाल स्कूल है, नाल तुम अगली साइड से पार्क विखाना बच्चों के बहन खिलाने वास्ते, स्कूल तुम अंदरों भी कहें तो विखा देना, साढ़े पिंड के स्कूल एवं होंगे ने। आ गई जी बच्चों के बहन खिलाने वाली पार्क, पार्क चेक करो थोड़े होश ना उठे आने के, तो फिर गल करो, नाल स्विमिंग पूल बनाया हुआ छोटा जिन्ना, स्विमिंग पूल की डेकोरेशन चेक करो, तो नहाने वास्ते सिस्टम चेक करो बच्चों का, स्विमिंग पूल बनाया हुआ नाल पार्क बनाई है बच्चों के बहन खिलाने वास्ते, डंगर बच्चे गोया शोया हर चीज़ इतें ही होंगी है, नाल पार्क भी है बड़ी सोहनी खूबसूरत होंगी रही है पहले, हूँ तो चलो फिर थोड़ा बहुत गोहे शोए लग गए थे ना गंद पै गया, पहले बड़ी वी आई पी पार्क होंगी रही है इतने, जिधर तक नज़र जाती है जिधर तक नज़र जाती है हर तरफ हरियाली हरियाली सब्जा ही सब्जा, इधर वेखो भावें उधर वेखो किन्नी किन्नी दूर वेखो भावें लोग डंगर चलाते पे ना सुबह सुबह आ गए, साड़ी सुबह सुबह का आगाज़ ऐसे तरीके नाल हुंदा, हर तरफ सब्जा ही सब्जा। हाए शहर वाले हो तुहानू की पता पिंड दीआं मौजां दा, सुबह सूरज निकल रहा किड्डा प्यारा मौसम बनिया होया, हर तरफ सब्जा, भला जरा तुम करते पे हो, ये तो गुड्डी करते पे हो जुत्तियां नालों खरा अगले धुन के काम करांदे ना, कोशिश कर बूटे ना बढ़ छड़ी नहीं बढ़ाते यार, मैं तो कहना इत्थे आना कर लैनी है मेरा ही काम है कर छड़ना राइया को एक किला पैली होंगी बेचारा ने पता नहीं थोम शटाला अद्धा अद्धा प्याज अद्धी थोम बराबर होंगी लाए का कड़ा थोड़ा कुछ होंगे है थोम थोड़ा वड्डा हो गया देखो तो माशाल्लाह सही सोना वड्डा हो गया हूं हां हां
ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਕੰਮ ਖਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬੂਟਾ ਵੜ ਛੜਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੜੋਇਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਤੇਰ ਭਾਈ ਹਾਂ ਹਾਂ दुकान सही लगी फिर मेरी दुकान बड़ी दी है यकीन कर कसम मैं समझा मैं यार बंदा बड़ी छेती करी करो है दुकान दा पूरा काम बन छड़ दंदू ते भाई अल्लाह पा दा शुक्र है मैं समझ लो रोटियां लेनियां लग गईयां ना जिंदगी दी तू करी करोगे हां जी जाने फो छड़ के गलती नहीं कीती जी नहीं सही है ओ सही है जो तो नहीं बारा खाए नहीं करनी चाहिए हां नाले कल्ला बंदा तू इसके बारे च भी नहीं आंदी ओ हां समझ भी नहीं आंदी हां ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਭੱਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਪਾਉਣਾ ਗੋਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਪਾਉਣਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵਡੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹਾਂ ਗੋਡੀ ਛੋਟੀ ਪਾਈ ਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪੈਲ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਗੋਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਛੱਡਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ